इस वीडियो में हम करेंगे फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करा है आप लोगों ने, एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि मेरी वॉइस अच्छी है, मुझे आज तक नहीं पता था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड। तो इसमें बेसिकली जैसे हमें नाम से पता चलता है, ये पोएम है एक फादर और एक सन के रिलेशनशिप के बारे में। एक फादर एक बहुत दुखी है एंड वो सोच भी रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे सन के साथ रिलेशनशिप मतलब ख़त्म हो रहा है, हम वैसे नहीं है जैसे हम छोटे थे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम, हम एक ही घर में रहते थे इतना टाइम से, लेकिन अब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आई नो नथिंग ऑफ हिम। और अब वो वाला एक रिलेशनशिप जब वो छोटा था मुझे सब कुछ बताता था, अब वो तो रहा ही नहीं है, वो रिलेशनशिप तो खत्म हो चुका है, येट हैव आई किल्ड। तो इसमें बेसिकली मैंने यह लिखा भी हुआ है, द अर्ली रिलेशनशिप वॉज लॉस्ट ड्यू टू जनरेशन गैप, क्योंकि अब आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप अपना एक थॉट प्रोसेस हो जाता है आपका, तो आपका आपके फादर के साथ थॉट्स नहीं मिलते हैं, वो कुछ और सोचते हैं क्योंकि वो किसी और जनरेशन के, आप कुछ और सोचते हैं क्योंकि आप किसी और जनरेशन के हैं, तो जनरेशन गैप की वजह से बेसिकली रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पैरा, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो यहाँ पर वो हमें बताते हैं कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, यानी कि उन्होंने अपने बेटे को एक सीड की तरह माना है कि सीड जो मैंने लिया था वो मैंने क्या उसे मतलब उगाने में कोई गलती करी है या मैंने कहीं गलत लैंड में उगा दिया है, बिकॉज अब वो जो लैंड है वो मेरा तो नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वो ही है। इसका मतलब है बेसिकली कि अब जो सन है वो एक ऐसा लाइफ बना रहा है जिसमें फादर की कोई जगह ही नहीं है, उसने अपना एक लाइफ बना रहा है बेसिकली। वो कहते हैं वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अपने घर में हम मतलब स्ट्रेंजर्स की तरह बात कर रहे हैं, हम जैसे स्ट्रेंजर्स की तरह बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आप देखिए बहुत फॉर्मल बिहेवियर होता है हमारा स्ट्रेंजर्स के साथ, तो वैसा ही मेरा बिहेवियर है। देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जैसे अगर कोई लेट हो गया तो कुछ गलती हो गई होगी, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है यहाँ पे, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। जैसे आपके फादर है, आपके बेसिकली जो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो जैसे अगर आपके आपका भी आपका रूम आपका गंदा होता है तो वो आपका रूम साफ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग की वजह से, चलो वो जल्दी में गया होगा, लेकिन अब वो अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में नहीं रहेगी क्योंकि दे आर बिहेविंग लाइक स्ट्रेंजर्स। देन दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, अब आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आप हैं, आप अपने पेरेंट्स के डिज़ाइन पे बिल्ट हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनकी आदतें, उनकी बात करने का ढंग, तो वो मेरे स्टाइल में मतलब बिल्ट हुआ है, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, या अभी भी, लेकिन उसको क्या पसंद है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है वो मुझे ही नहीं पता। तो वो ये बात कर रहा है कि इतना मेरे को फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड नो बॉन्ड ऑफ लव, तो यहाँ पे फादर बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं हेल्पलेस कि हमारे बीच में कुछ रहा ही नहीं है और कोई बॉन्ड नहीं है अब हमारे बीच में। नेक्स्ट पैरा, Silence around us, I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, his world, I would forgive him too, shaping up from sorrow a new love. इसमें बेसिकली अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो या सुना हो तो एक ऐसी कहानी है कि एक फादर है, उसका एक बच्चा है, वो अपने जो बच्चा है वैसे ही बड़ा हो जाता है और वो घर छोड़ के चला जाता है और फिर वो बाहर वर्ल्ड में जाता है, तो अब बाहर का जो वर्ल्ड है वो घर का एनवायरनमेंट जैसा तो नहीं होता, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पर वो कुछ गैम्बलिंग करता है, वो कुछ करता है और वो पैसे लूज कर देता है वो, तो वो अपने फादर के पास वापस आता है सॉरी बोलने और फिर उसका फादर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। ठीक है, यहाँ पर उसके साथ एक रिलेशनशिप है कि पहले तो फर्स्ट लाइन में कि साइलेंस अराउंड अस, कि अब कुछ बात करने के लिए रह नहीं गया, कुछ कॉमन ही नहीं है हमारे बीच में। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं भी उसे आई विल बी प्रोडिगल एंड आई विल फॉरगिव हिम, जब वो वापस आएगा अपने फादर के पास, जो होम जो घर उसे पता है, रादर देन मेक हिम मूव, यानी कि मैं नहीं चाहूंगा उसे देखते हुए कि वो अपना घर चेंज करे, मैं चाहता हूँ वो पहले ही मुझसे माफी मांगे और यहीं पर रह ले और वो स्ट्रगल ना करे जो उसने बाहर जाके करी थी। Rather than see him make and move, मतलब मैं उसे घर नहीं चाहता कि वो चेंज करे, वो बाहर जाए, his world, I would forgive him too, मैं भी उसे माफ़ कर दूंगा, shaping from sorrow a new love, तो जो भी प्रॉब्लम हुई sorrow से हम एक न्यू लव की स्टार्टिंग करेंगे। इसका मतलब है कि रेडी टू forgive हिम फॉर लॉस ऑफ वेल्थ, रेडी टू एक्सेप्ट हिम बैक,
लॉस ऑफ वेल्थ की वजह से उसे फॉरगिव कर दिया कि वो जो भी पैसे लेके गया था उसे बर्बाद कर दिए एंड मैं उसे वापस एक्सेप्ट कर लूंगा. फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We put out an empty hand longing for something to forgive. यहाँ पे इसका मतलब है कि जो एक रिलेशनशिप है, मतलब ये जो दो लोग हैं, हमने वो बिहेव कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स की तरह, लेकिन एक्चुअली में वो दो लोग हैं और उन्हें दे मस्ट लिव, उन्हें एक सेम ग्लोब पे रहना है, एक सेम लैंड पे रहना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर वो बिल्ड करेंगे तो वो अच्छी बात होगी. तो एंगर से यहाँ ग्रो कर रहा है ग्रीफ. यहाँ पे पहले तो वो गुस्से में कि मुझे कुछ नहीं पता अपने बच्चे के बारे में, और अब वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि कुछ नहीं पता, बुरा फील कर रहा है. तो जैसे गुस्सा होता है और फिर एक बुरा फील होना होता है. Then we put out an empty hand longing for something to forgive. हम एक empty hand हम दोनों रख रहे हैं कि मतलब काश कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा. क्योंकि आप अगर देखिए कोई relationship खराब हो जाता है तो उसको सही करना it's very difficult because वो trust, वो बात करने का तरीका, वो दोबारा build up नहीं हो पाता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है they should live under the same roof together. तो मतलब कि ऑब्वियसली उन्हें सेम रूफ के अंदर रहना है, तो बेटर है कि अंडरस्टैंडिंग से रहेंगे. ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा. तो यहाँ पर है कि ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. इसका मतलब है कि वो जैसे आप लोग छोटे होते हैं तो आप अपने आइडियाज़ बताते हैं, मैं बड़े होकर यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा. तो मतलब फादर सोच रहे हैं क्यों मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो आप अपने आइडियाज़ बना रहे हो, अपना वर्ल्ड बना रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, मैं वहाँ पर हूँ भी नहीं उस वर्ल्ड के अंदर. देन उसके बाद एंड में यहाँ पर है कि फादर बींग प्रोटेक्टिव कैन नॉट सी हिज चाइल्ड क्रिएटिंग हिज ओन वर्ल्ड. जो फादर है ही इज वेरी प्रोटेक्टिव. तो आप लोग ये जो लाइन्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो बोली हैं, कि आप नोट कर लो और आंसर्स में अपने यूज करो कि फादर इज बींग वेरी वेरी प्रोटेक्टिव और वो ही कैन नॉट सी हिज चाइल्ड क्रिएटिंग हिज ओन वर्ल्ड. ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी आंसर है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप ये जरूर लिखिए कि ये सब क्यों हो रहा है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और अंडरस्टैंडिंग है. कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है. साथ में आप ये भी लिखिए कि ये सब क्यों हो रहा है, बेसिकली ड्यू टू जनरेशन गैप. सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.